तो हमारी समांतर श्रेणी चल रही थी। समांतर श्रेणी में हमने कल 17 एग्जाम्पल पढ़ चुके थे, देखते हैं आगे वाला। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो पहला पद क्या है? पहले दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, दसवें और nवें पद ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या दे रखी है कि समांतर श्रेणी दे रखी है। क्या दे रखे हैं? समांतर श्रेणी। इस समांतर श्रेणी के n पदों का योग दे रखा है। n पदों का योग ऐसे नहीं तो होता है, ऐसे नहीं होता है ना, कितना दे रखा है? 4n माइनस n स्क्वायर। कितना दे रखा है? 4n माइनस n स्क्वायर। कितने पदों का योग है बताओ? n पदों का। अगर n की जगह 1 रख दें तो कितने पदों का योग आएगा बताओ? एक पद का, एक पद का योग है ना। रखो यहां भी 4 इंटू एन की जगह 1 माइनस 1 का वर्ग, तो 4 माइनस 1 कितना आ गया बताओ? एक पद का योग कितना आ गया? 3 आ गया। इसी प्रकार एन की जगह 2 रखेंगे, कितना रखेंगे? तो एस 2 बराबर कितना? 4 इंटू एन की जगह 2 माइनस एन की जगह 2 का वर्ग, कितना आ गया? 4 × 8 माइनस 2 का वर्ग 4। तो बताओ दो पदों का योग कितना आ गया? अब देखना, हम एक उदाहरण लेते हैं। हमारे पास एक समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी। बताओ इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं? 1, 2 और 3। अगर आपको कोई बोल दे कि इस समांतर श्रेणी के एक पद का योग कितना होगा, ऐसे एक पद का योग एक ही तो होगा ना, कितना होगा? एक। तो बताओ एक पद का योग ये कौन सा पद है? प्रथम पद है ना, तो एक पद का योग बताओ किसके बराबर होगा? प्रथम पद a1 के बराबर। किसके बराबर? प्रथम पद a1 के बराबर। आई क्या बात समझ में? कि समांतर श्रेणी का एक पद का जो योग है वो एक है, किसके बराबर होगा? इसे प्रथम पद के बराबर। इसी प्रकार दो पदों का योग s2 होगा। क्या होगा? s2 होगा। बताओ दो पदों का योग कितना आ गया? 2, 1, 3। दो पदों का योग कितना आया? 3। दो पदों का योग कितना आ गया? s2। यही तो है ना, माइनस। तो बताओ दो पदों का योग कितना हो गया? 2, 1, 3। दो पदों का योग कितना हो गया? 3 हो गया। कितना हो गया? 3। अब देखो दो पदों का योग 3 है, कितना है? एक पद का योग तो 1 है, दो पदों का योग कितना है? 3 है। एक पद का योग तो 1 है और इन दोनों पदों का योग कितना हो गया बताओ? 3। कितना हो गया? 3। अगर हम दो पदों के योग में से इस एक पद के योग को घटा दें, दो पदों का योग 3 है, एक पद का योग कितना है बताओ? अगर दो पदों के योग में से एक पद का योग घटाएंगे कितना आया बताओ? 2 क्या है? दूसरा पद। कौन सा पद है? दूसरा पद। तो हमें यहां से सूत्र मिल गया कि एक पद का योग तो किसके बराबर होगा? प्रथम पद के बराबर। अगर हम दो पदों के योग में से, अगर हम दो पदों के योग में से एक पद का योग घटाएंगे तो कौन सा पद प्राप्त होगा? दूसरा पद। आई क्या बात समझे? अगर हमें दो पदों के योग में से एक पद का योग घटाते हैं तो कौन सा पद आता है? दूसरा पद। तो बताओ a2 बराबर क्या बन गया? सूत्र s2 माइनस s1। दूसरा पद a2 कैसे याद होगा? s2 माइनस s1। ठीक है, तो देखते हैं हमारी पठनावली चल रही थी, कौन सी टॉपिक चल रहा था हमारा? समांतर श्रेणी। क्या चल रहा था? समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में पठनावली कौन सी थी? पठनावली चल रही हमारी 5.3। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 18। बताओ श्रेणी कैसी है? समांतर। कैसी है? तो क्या लिखेंगे? एपी में n पदों का योग, n
योग, n पदों का योग s n बराबर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर, n बराबर एक रखने पर, n बराबर एक रखने पर, जैसे n बराबर एक रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, s एक बराबर 4 इंटू n के लिए कितना एक माइनस एक, n के लिए एक का वर्ग कितना आ गया 4 माइनस एक कितना आ गया 3, तो बताओ s एक कितना ज्ञात हो गया 3, और ये एक पद का योग बताओ किसके बराबर होगा, प्रथम पद a1 के बराबर, किसके बराबर होगा प्रथम पद के बराबर, किसके बराबर होगा प्रथम पद के बराबर, ठीक है। इसी प्रकार n बराबर, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर कितना रखना है 2 रखने पर, n बराबर 2 रखेंगे तो बताओ क्या प्राप्त होगा, s क्या प्राप्त होगा, s 2 बराबर 4 इंटू इस n की जगह 2 माइनस इस n की जगह कितना 2 का वर्ग कितना बन गया 4 दुनी 8 माइनस 2 दुनी 2 का वर्ग 4, 8 में से 4 घटाएंगे कितना आ गया बताओ, दो पदों का योग कितना आ गया 4। अब दूसरा पद a2 किस बराबर होगा बताओ, ये दूसरा पद कैसे याद होगा, दो पदों के योग में से किसको घटा देना एक पद का योग, ठीक है, दो पदों के योग में से एक पद का योग घटाएंगे, दो पदों का योग कितना है 4 माइनस एक पद का योग कितना है बताओ 3, 4 में से 3 घटाएंगे बताओ कितना आ गया, 4 में से 3 घटाएंगे कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1। अब प्रथम पद है हमारे पास, दूसरा पद ज्ञात हो गया, सार व अंतर ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, अब सार व अंतर d बराबर क्या होगा सूत्र a2 माइनस a1, a2 कितना है बताओ 1 माइनस a1 कितना है, a1 कितना है बताओ 3 ही तो है, तो बताओ सार का अंतर d कितना ज्ञात हो गया माइनस 2, कितना ज्ञात हो गया माइनस 2। आप देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो पहला पद क्या है, प्रथम पद a बराबर तो कितना ज्ञात हो गया बताओ हमें, कितना ज्ञात हो गया 3, और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, पहले दो पदों का योग, पहले दो पदों का योग को ऐसे लिखते हैं, दो पद हैं तो s2 बराबर कितना ज्ञात हुआ बताओ, s2 हमें s2 कितना ज्ञात हुआ 4। आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद a2 कितना ज्ञात हो गया बताओ हमें, a2 कितना ज्ञात हो गया, और क्या पूछ रहे हैं, इसी प्रकार तीसरा पद क्या है, तीसरा पद a3 तो होगा ना, किसके बराबर होगा a प्लस 2d, a प्लस 2d बताओ a वाला मान कितना है 3, प्लस 2 इंटू डी वाला मान कितना है माइनस 2, तो कितना बन गया 3 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 कितना आ गया बताओ माइनस 1। तीसरा पद याद हो गया, दसवें पद एवं दसवां पद ए 10 बराबर क्या होगा ए प्लस का 9d, ए वाला मान तो वही 3 प्लस 9 इंटू डी वाला मान कितना है माइनस 2, तो 3 प्लस माइनस माइनस 9 दुनी 18 कितना आ गया माइनस 15, कितना
इसी प्रकार और क्या याद करना है हमें, एंड वहां पर क्या याद करना है, एंड वहां पर तो क्या लिखेंगे, एवं एन वहां पर ए एन बराबर सूत्र क्या होता है बताओ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए की जगह कितना रखेंगे तीन प्लस ए, एन की जगह एन वहां पर तो क्या लिखेंगे एन लिखेंगे, माइनस ए इंटू डी की जगह कितना रखेंगे बताओ माइनस, कितना रखेंगे तो तीन प्लस माइनस माइनस एन माइनस एक और गुणा में कितना दो, तीन माइनस प्लस माइनस दो को एन से गुणा करेंगे दो एन, माइनस माइनस प्लस से दो को एक से गुणा करेंगे दो, बताओ तीन और दो पांच माइनस दो है, तो बताओ एन वहां पर क्या होगा पांच माइनस दो, देखते हैं आगे वाला उदाहरण। 250 से आधार तक तीन से भाज्य प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 250 से आधार तक तीन से भाज्य संख्याओं से यानी संख्याएं दे रखी हैं हमें, कहां से 250 से कहां तक लेनी है हमें, 250 से कहां तक लेनी है आधार कहां तक लेनी है, अब 250 से हजार तक लेनी है लेकिन वही संख्याएं लेनी है जो तीन से क्या हो भाज्य हो यानी जिनमें तीन का पूरा पूरा भाग जाए, तो बताऊं 250 251 252 ठीक है, और अंत वाले क्या लिख देंगे, चलो लिख देते हैं 998 999 हजार ठीक है, तीन से भाज्य तो तीन की भाज्यता का नियम क्या है, अगर अंकों के योग में तीन का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में किसका भाग जाएगा तीन का, तो बताओ दो और पांच सात और जीरो सात नहीं जाएगा, पांच दो सात और एक आठ नहीं जाएगा, पांच दो सात और दो नौ, तो बताओ 250 से हजार के बीच में पहले वाली ऐसी कौन सी संख्या होगी जो तीन से भाज्य होगी, 252, अब किससे भाज्य है तीन से, तो कितना जोड़ देंगे इसमें तीन तो क्या बन जाएगी 255, फिर तीन जोड़ देंगे 258 ठीक है, और अंत वाली अंकों का योग एक नहीं जाएगा, 9 9 18 9 3 27 जाता है ना 27 में, तो अंत वाली संख्या कौन सी हो गई 999 ठीक है, बताओ ये श्रेणी कैसी होगी समान, कैसी होगी समांतर, तो क्या लिख देंगे एक, तो कैसे हल करेंगे 250 से हजार के बीच तीन से भाज्य संख्याओं से बनने वाली समांतर श्रेणी एक, ये ठीक है, अब ये कैसे आई समझ में आ गया ना, तो हल करेंगे कैसे, दो सौ पचास से आधार तक तीन से भाज्य संख्याओं से बनने वाली समांतर श्रेणी एपी क्या होगी बताओ, क्या बनी है बताओ समांतर श्रेणी एपी 252 255 258 और अंत वाली कितनी बनी बताओ 999 अंत वाली 999, तो यहां से पढ़ता हूं पद
प्रथम पद ए बराबर 252, सार्व अंतर डी बराबर, सार्व अंतर डी बराबर सूत्र क्या होगा, ए टू माइनस ए वन, ए टू वाला मान कितना है 255 माइनस ए वन कितना है 252, तो सार्व अंतर डी कितना ज्ञात हो गया, सार्व अंतर डी कितना ज्ञात हो गया तीन। एवं कौन सा पद दे रखा है, कौन सा पद है, एनवा पद या अंतिम पद, अगर हमें तो योग याद करना है, क्या याद करना है, योग याद करना है, तो योग के लिए यही तो सूत्र होगा ना, एक तो एस एन बराबर एन बटा दो कोस तक ए प्लस है, दूसरे वाला एस एन बराबर एन बटा दो कोस तक टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन वाला मान नहीं है ना हमारे पास, नहीं है ना, ए भी है अंतिम पद एल भी है कितना 999, लेकिन एन कहां से लेके आए, तो बताओ पहले एन वहां पर याद करने वाला सूत्र काम में लेंगे कि योग वाला सूत्र, एन वहां पर याद करने वाला सूत्र, एवं में एन वहां पद ए एन बराबर कितना दे रखा है हमें 999, एन वहां पर याद करने का सूत्र ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 999, ए वाला मान कितना है बताओ 252 प्लस एन हमें ज्ञात करना है माइनस एक इंटू डी की जगह कितना रखेंगे 3 बराबर 999, तो यहाँ से एन माइनस एक गुणा में 3 बराबर 999, ये प्लस का 252 क्या बन गया माइनस का 252, तो बताओ कितना आ गया एन माइनस एक गुणा में 3 बराबर 9 में से 2 घटाएंगे 7, 9 में से 5 घटाएंगे 4 और 9 में से 2 घटाएंगे 7, ठीक है। अब n माइनस 1 बराबर 747, ये 3 गुणा में किसमें आ जाएगा भाग में, तो n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 9 27, तो n बराबर कितना आ गया बताओ 249 से माइनस का एक इधर किसका बन जाएगा प्लस का एक, तो बताओ एन बराबर कितना बन गया 250, तो बताओ 250 से 1000 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी 250, कितनी होंगी 250 होंगी, तो हमें योग याद करना है, क्या याद करना है योग। अब बताओ जो एन वापस एन है किसके बराबर होगा अंतिम पद एल के बराबर, किसके बराबर होगा अंतिम पद एल के बराबर, तो जिस योग वाले सूत्र में एल काम में आता है वो ले लेते हैं। अब एन पदों का योग, एन पदों का योग एस एन बराबर क्या होगा एन बटा दो कोष्टक ए प्लस एन बटा दो कोष्टक ए प्लस एस एन की जगह कितने पदों का योग याद करेंगे 250 बराबर इस एन की जगह 250 बटा दो कोष्टक ए की जगह कितना रखेंगे बताओ 252 प्लस एल की जगह कितना रखेंगे, कितना रखेंगे कितना 999, 250 में दो का भाग दो, दो एकम दो, दो दून चार, दो पंजे दस, नौ दो ग्यारह, नौ दो ग्यारह सिर्फ एक, नौ पांच चौदह और एक 15, नौ दो ग्यारह और एक 12, ठीक है। अब यहां से 125 को किससे गुणा करना है, किससे करना है, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5, 5 5 25, 5 10 और 2 12, 5 और 1 6 इंटू 2, 5 दो 10, 2 दो 4 और 1 5, 2 एकम 2 1, 5 2 1, 5 5 और 2 7, 2 और 1 3, 6 5 1, कितना आएगा ना, कितना आएगा 156375, 156375, ये आ गया
250 से 1000 के बीच तीन से भाज्य संख्याओं से का भाज्य संख्याओं का योगफल। अब देखते हैं आगे वाला उदाहरण। एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेमी की दूरी पर है। एक सीढ़ी है, क्या है? एक सीढ़ी, उसके दो क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेमी की दूरी पर है। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई कितनी है? 45 सेमी। कितनी है? 45 सेमी। और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई कितनी है? 5 सेमी। कितनी दे रखी है? 5 सेमी। 5 नहीं दे रखी है, 25 है। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी कितनी है? 2.5 मीटर है, तो डंडों को बनाने के लिए कितनी लंबाई की लकड़ी लेना आवश्यक होगा? यानी हमारे पास क्या है? एक सीढ़ी है। इस पर इस प्रकार से सीढ़ी है, सबसे ऊपरी डंडे की लंबाई कितनी है? ये वाली लंबाई दे रखी है कितनी? 25। कितनी दे रखी है? 25 सेमी। और सबसे नीचे वाले डंडे की लंबाई कितनी दे रखी है? 45 सेमी। कितनी दे रखी है? 45 सेमी। और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई? सबसे नीचे वाले डंडे की लंबाई कितनी दे रखी है? 45 सेमी। सबसे ऊपरी डंडे की लंबाई कितनी दे रखी है? 25 सेमी। और दो कर्मागत डंडे हैं, ये दोनों कर्मागत है ना? ये दोनों भी कर्मागत हैं, ये दोनों भी कर्मागत हैं, ये दोनों भी क्या हैं? कर्मागत हैं। दो कर्मागत डंडों के बीच की ये दूरी भी कितनी दे रखी है बताओ? 25 सेमी। कितनी दे रखी है? 25 सेमी। दो कर्म, ये भी 25, ये भी 25, इन दोनों के बीच की 25, यहां होंगे उनके बीच की 25, और ये भी कितनी? 25 सेमी। सबसे नीचे वाले डंडे की लंबाई 45 सेमी, सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेमी। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी, ऊपरी डंडा ये, नीचे वाला डंडा ये, इनके बीच की दूरी ये कितनी दे रखी है बताओ? ये दूरी कितनी दे रखी है? कितनी दे रखी है? 2.5 मीटर बराबर 250 से। तो डंडों को बनाने के लिए कितनी लंबाई की लकड़ी लेना आवश्यक? क्वेश्चन क्या कह रखा है? मैं एक सीढ़ी है, क्या है? ऊपरी डंडे की लंबाई तो कितनी है? 25 सेमी। नीचे वाले डंडे की लंबाई कितनी है? 45 सेमी। दो कर्मागत डंडों के बीच की ये दूरी कितनी दे रखी है हमें? 25 सेमी। और ऊपरी डंडे की और नीचे वाले डंडे के बीच की दूरी कितनी? 2.5 मीटर यानी 250 सेंटीमीटर, यानी हमें सीढ़ी की लंबाई मालूम हो गई। कितनी है बताओ सीढ़ी की लंबाई? 250 सेमी। कितनी है? 250
सेमी। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन को समझने के लिए एक ऐसी सीढ़ी बनाते हैं इस प्रकार। ये सीढ़ी है, बताओ इसमें कितने डंडे हैं, कितने डंडे हैं इसमें, एक दो तीन और चार। ये दूरी कितनी है 25 सेमी, कितनी है, दो कर्मागार डंडों के बीच की दूरी कितनी है 25 सेमी। ये भी कितनी मान ले 25 सेमी, और ये वाली भी कितनी मान ले, ये वाली भी 25 सेमी। तो बताओ पूरी लंबाई कितनी बन गई, सीढ़ी की पूरी लंबाई कितनी बन गई, सीढ़ी की पूरी लंबाई कितनी बन गई 75 सेमी। ठीक है, अब बताओ इसमें डंडे कितने, चार डंडे कितने हैं, चार। कुल दूरी कितनी है हमारे पास सीढ़ी की, सीढ़ी की कुल लंबाई कितनी है 75, और कर्मागार डंडों के बीच की दूरी कितनी है 25। हमने सीढ़ी की कुल लंबाई में दो कर्मागार डंडों के बीच की दूरी का भाग दिया तो बताओ कितना आया, ये तीन आया, कितना आया, लेकिन डंडे तो कितने हैं, चार हैं। तो यानी डंडों की संख्या बराबर सूत्र क्या बना, कुल दूरी बटा दो कर्मागार डंडों के बीच की दूरी प्लस कितना, प्लस कितना ए, प्लस कितना ए, देखो 75 में 25 का भाग दिया 3 आ गया, प्लस ए कितना आ गया बताओ, बताओ चार डंडे थे, कितने डंडे हैं, चार डंडे। तो ये हमने क्वेश्चन को समझने के लिए किया है, यानी हमने एक सीढ़ी बनाई जिसमें कितने डंडे हैं, चार, कितने डंडे हैं, चार। अब प्रत्येक डंडे के बीच की दूरी 25-25 सेमी है तो बताओ सीढ़ी की लंबाई कितनी बन गई, 75। हमने सीढ़ी की लंबाई में दो कर्मागार डंडों के बीच की दूरी का भाग दिया तो हमारे पास तीन आया, कितना आया तीन, लेकिन डंडे तो चार हैं, कितने हैं, चार हैं। तो हमने सूत्र क्या बनाया, कुल दूरी बटा दो कर्मागार डंडों के बीच की दूरी प्लस ए। जैसे मान लेते हैं और बड़ी कर दो इसको, ये दूरी भी कितनी 25 सेमी, तो बताओ की बार सीढ़ी की लंबाई कितनी बन गई, कितनी बन गई 100, कितनी बन गई 100। अब हमें कुल दूरी होगी हमारे पास 100 बटा दो कर्मागार डंडों के बीच की दूरी कितनी 25, 100 में 25 का भाग दें कितना आया, चार, क्या डंडे चार हैं क्या, एक दो तीन चार पांच। यानी कुल दूरी में दो कर्मागार डंडों के बीच की दूरी का भाग देते हैं तो जो मान प्राप्त होता है उसमें कितना जोड़ना पड़ता है हमें, एक, तब जाके किनकी संख्या आती है, डंडों की संख्या। तो बताओ डंडों की संख्या बराबर सूत्र क्या बन गया, कुल दूरी बटा दो कर्मागार डंडों के बीच की दूरी प्लस एक। अब देखते हैं आगे वाला प्रश्न, तो बताओ ये तो प्रथम पद के बराबर हो जाएगा कि नहीं, प्रथम पद एक का मान तो कितना, बताओ ये 45 किसका मान होगा, एनवा पद, या तो इसको बोल देते हैं एनवा पद या किसी का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, हमें तो योग याद करना है। बताओ कितने डंडे हो गए, कितने डंडे हो गए, डंडों की संख्या याद करेंगे इसमें, तो कुल दूरी कितनी है 250 बटा दो कर्मागार डंडों के बीच की दूरी कितनी है 25 सेमी, प्लस कितना करना पड़ेगा ए, तो कितना आ गया 10 प्लस ए बराबर कितने डंडे होंगे बताओ, 11। तो बताओ एन का मान कितना मिल गया हमें, फिर क्या करेंगे, योग वाला सूत्र काम में लेंगे जिसमें एल काम में आता है। ठीक है, बताओ श्रेणी कैसी बनेगी, इससे समांतर तो क्या लिखेंगे एपी में सबसे ऊपरी डंडे की लंबाई किसके बराबर होगी बताओ, किसके बराबर होगी, अरे ए के बराबर होगी कि नहीं, ए बराबर कितना दे रखा है हमें 25
ठीक है। सबसे निचले डंडे की लंबाई किसके बराबर होगी बताओ, अंतिम पद के बराबर होगी ना। अरे सीटी का दो सिरा से एक प्रारंभिक मान लेना, दूसरे को जाए अंतिम, इन प्रारंभिक मान से होगा इनका अंतिम, अगर इसको प्रारंभिक मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा अंतिम। तो यहां से एल कितना कितना है 45 से, या इसी का दूसरा नाम क्या है के है। सीडी की कुल लंबाई कितनी, सीडी की कुल लंबाई कितनी दे रखी है बताओ, 2.5 मीटर यानी कितनी 250 सेंटीमीटर, ठीक है। दो क्रमागत डंडों के बीच की दूरी, दो क्रमागत डंडों के बीच की दूरी कितनी है बताओ 25 से, कितनी है 25 से। अब डंडों की संख्या n बराबर, सूत्र क्या होगा डंडों की संख्या बराबर, सूत्र क्या होगा कुल दूरी बटा दो क्रमागत डंडों के बीच की दूरी प्लस कितना एरिया प्लस एक अलग से जुड़ेगा, ठीक है ना। तो बताओ कुल दूरी तो कितनी है 250 बटा दो क्रमागत डंडों के बीच की दूरी कितनी है 25 प्लस कितना एक, ये आ गया 10 प्लस एक बराबर कितना 11। तो बताओ डंडे कितने होंगे 11। अब मैं तो योग याद करना है तो योग वाला सूत्र काम में लेंगे। अब n पदों का योग, n पदों का योग एस एन बराबर सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर सूत्र क्या होता है n बटा 2 कोष्टक a प्लस l, n ये 11 बटा 2 कोष्टक, a के लिए कितना रखेंगे बताओ 25 प्लस l के लिए कितना रखेंगे 45, तो 11 बटा 2 कोष्टक 25 और 45 कितना 70, 2 का बार कितनी बार 35 बार, 11 पंजे 55, 33 और 5 38, मान किसमें है बताओ सेंटी में। तो बताओ सीडी को बनाने के लिए कितनी सेमी लकड़ी की आवश्यकता होगी, तो नीचे क्या लिखेंगे इसी के नीचे क्या लिख देना, अतः सीडी बनाने के लिए 385 सेमी लकड़ी की आवश्यकता होगी, लकड़ी की आवश्यकता, ठीक है। आया समझ में, अब देखते हैं प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का क्या याद करना है योगफल। तो प्रथम क्वेश्चन है इसका प्रथम भाग देखते हैं, प्रथम का कौन सा देखते हैं, श्रेणी कैसी है समांतर, तो क्या लिखेंगे एक, कितना दे रखा है
बारह। इस श्रेणी का हमें क्या याद करना है? योगफल। क्या याद करना है? योगफल। तो बताओ योग के लिए दो सूत्र होंगे, एस एन बराबर एन बटा दो कोष्टक ए प्लस एल एक तो। दूसरे वाला एस एन बराबर एन बटा दो कोष्टक टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल है क्या हमारे पास? है ना, एल एल वाला मान भी है, ए वाला मान है क्या? ए वाला भी है। क्या एन वाला मान है? नहीं है। तो पहले एन का मान ज्ञात करेंगे, तो बताओ कौन सा सूत्र काम में लेना पड़ेगा? एनवा पर ज्ञात करने वाला। कौन सा काम में लेना पड़ेगा? एनवा पर ज्ञात करने वाला। प्रथम पद ए बराबर कितना? सार्व अंतर डी बराबर ए टू माइनस ए वन। ए टू वाला मान तीन माइनस एक बराबर कितना? तीन माइनस एक बराबर कितना? दो। एन वहां पर ए एन कितना दे रखा है बताओ? एन वहां पर ए एन कितना दे रखा है? बारह है। कितना दे रखा है? और इसी का दूसरा नाम क्या है? अंतिम पद है, जिसको किससे लिखते हैं? एल से। किससे? एल से। एन वहां पर ज्ञात करने का सूत्र ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर भी कितना? बारह। ठीक है, ए वाला मान तो कितना है? ए प्लस एन वाला मान हमें ज्ञात करना है, इंटू डी वाला मान कितना है बताओ? दो बराबर कितना? बारह। तो एन माइनस एक गुणा दो बराबर बारह, ए प्लस का एक इधर आगे किसका बन जाएगा? माइनस का। तो बताओ एन माइनस एक गुणा दो बराबर कितना आ गया? क्या कितना आ गया? ग्यारह। यही तो है ना। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये अंतिम पद नहीं है। ये क्या है? ये बारह पदों का, यानी अंतिम पद नहीं दे रखा है। ये क्या दे रखा है? बारह पदों तक क्या दे रखा है? यानी समांतर श्रेणी का बारह पदों तक योग याद करना है। कितने पदों तक? बारह पदों तक। तो यहां से ये एनवा पद नहीं है, ये एनवा पद नहीं है। क्या है? पदों की संख्या है। क्या है? पदों की संख्या। एन बराबर कितनी दे रखी है? बारह। ये जो समांतर श्रेणी है, इस समांतर श्रेणी का ये अंतिम पद नहीं दे रखा है, हमें क्या दे रखा है? बारह पदों का योग याद करना है। तो पदों की संख्या एन बराबर कितनी दे रखी है? बारह। तो बताओ एल वाला सूत्र काम में लेंगे? डी वाला। ये डी वाला, क्योंकि एल है ही नहीं हमारे पास, नहीं है ना एल। अब एन पदों का योग एस एन बराबर एन बटा दो कोष्टक टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू एस एन की जगह कितना? बारह बराबर एन की जगह कितना रखेंगे? बारह बटा दो कोष्टक दो इंटू ए वाला मान कितना है? ए प्लस एन की जगह बारह माइनस एक इंटू डी की जगह कितना बताओ? बारह में दो का भाग देंगे छह, दो एकम दो प्लस बारह में से एकम करें ग्यारह इंटू दो, तो छह कोष्टक दो प्लस ग्यारह को दो से गुणा करेंगे बाईस, तो छह कोष्टक बाईस और दो चौबीस, छह चौक चौबीस, बारह और दो बताओ कितना आया? योग कितना आया? 144। तो नीचे क्या लिखेंगे?
अतः समांतर श्रेणी के, समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग, 12 पदों का योग 144 होगा। 12 पदों का योग कितना होगा? 144 होगा। इसी प्रकार इसका दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, श्रेणी कैसी है तो क्या लिखेंगे? एपी। क्या लिखेंगे? एपी। कितना दे रखा है? 8 3 -2 के 22 पदों तक। प्रथम पद एक का मान कितना? 8। सारा अंतर भी a2 - a1। ये 22 के अंतिम पद है कि पदों की संख्या? पदों की संख्या। इसी प्रकार है तीसरा श्रेणी कैसी है? समांतर। तो क्या लिखेंगे? एपी 1/15, 1/12, 1/10 के 11 पदों। प्रथम पद एक का मान कितना है? 1/15। दूसरा पद ए टू कितना है? 1/12। तो सारा अंतर डी याद कर सकते हैं कि नहीं? a2 - a1 लघुतम ले लेना और हल कर लेना। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको क्या करने हैं? अब देखते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले वाला दे रखा है 3 + 11 + 19 + 800 की। दूसरे वाला दे रखा है इसी का 7 + 10 = 1/2 + 14 + 84। इस श्रेणी का हमें क्या याद करना है? योगफल। क्या याद करना है? योगफल। तो यहां से ये तो आप स्वयं कर लेना, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। ये श्रेणी कैसी होगी? समांतर। तो क्या लिखेंगे? एपी। क्या लिखेंगे? एपी। कितनी? 7 + 10 = 1/2 + 14 + 84। अब बताओ प्रथम पद एक का मान कितना? ये 84 बताओ n-वां पद है कि 84 पदों का, यानी पदों की संख्या, क्योंकि प्लस 84 दे रखा है, यानी या तो ये n-वां पद है या इसी का दूसरा नाम क्या है? अंतिम पद है। ये पदों की संख्या नहीं है। तो प्रथम पद a बराबर तो कितना दे रखा है हमें? 7। कितना दे रखा है? 7। सार्व अंतर d बराबर कितना दे रखा है? a2 - a1। बताओ
कितना है? सात। तो 10 गुणे 20 और 1 21 बटा 2 माइनस 7 के बटे में कितना मान ले? 1। लघुत्तम कितना आ गया? 2। ये आ गया 21 माइनस 1। 2 में 1 का भाग, 2 बार 2 को 7 से गुणा करेंगे कितना आ गया बताओ? बताओ सार्वअंतर d का मान कितना आ गया? अब बताओ ये 84 क्या है? nवां पद या अंतिम पद। योग के लिए बताओ सूत्र क्या होता है? Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक a प्लस l। l है हमारे पास, है कि नहीं है? प्रथम पद a भी है लेकिन पदों की संख्या n नहीं है, इसलिए पहले कौन सा सूत्र काम में लेना पड़ेगा? nवां पद ज्ञात करने वाला। एवं एनवा पद एन कितना दे रखा है बताओ? एनवा पद एन कितना दे रखा है? 84। और इसी का दूसरा नाम क्या है? अंतिम पद है, ठीक है। एनवा पद याद करने का सूत्र ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना? 84। ए की जगह कितना रखेंगे बताओ? ए की जगह कितना रखेंगे? 7 प्लस ए, एन हमें ज्ञात करना है, इंटू डी की जगह कितना रखेंगे बताओ? 7 बटा 2 बराबर 84। तो एन माइनस 1 गुणा 7 बटा 2 बराबर 84, ये प्लस का 7 है इधर के किसका बन जाएगा? माइनस का 7। किसका बन जाएगा? माइनस का 7। तो कितना आ गया? एन माइनस 1 बराबर 84 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा बताओ? 77। कितना आएगा? 84 में से 7 घटाए कितना आया? 77। अब ये 7 यहाँ किसमें? गुणा में। किसमें आ जाएगा? भाग में। किसमें आ जाएगा? भाग में। और ये 2 भाग में किसमें आ जाएगा? आई क्या पास में, यानी n माइनस 1 बराबर ये 84 में से 7 घटाया 77, ये 7 यहाँ गुणा में किसमें आ गया? भाग में। ये 2 भाग में किसमें आ जाएगा? गुणा में। तो n माइनस 1 बराबर 7 का भाग 77 में कितनी बार? कितना आ गया? 22। n बराबर 22 ये माइनस 1 इधर किसका बन गया? तो n बराबर कितना आ गया? 23। अब बताओ कितने पदों का योगफल याद करना है? 23 पदों। अब n पदों का योग, n पदों का योग Sn बराबर सूत्र क्या होगा बताओ? n बटा 2 कोष्टक a प्लस l। Sn की जगह कितना रखेंगे? 23 बराबर Sn की जगह 23 बटा 2 कोष्टक a की जगह कितना रखेंगे? 7 प्लस l की जगह कितना रखेंगे? कितना रखेंगे? 84। कितना रखेंगे? 84। तो 23 बटा 2, 84 में 7 जोड़ेंगे, 84 में 7 जोड़ेंगे कितना तो आएगा ना? अब गुणा कर दो, 23 को किससे गुणा कर दो? 3 2 इंटू 27, 18 और 2 3 9 कितना आ गया? 2 जा रहे 93 बटा 2, यानी कितना आ गया? 2 एकम 2 0, 2 चौके 8, 2 छके 12 कितना आ गया? 1046 से 1 बटा 2। तो नीचे क्या लिखेंगे? अतः है समांतर श्रेणी के, समांतर श्रेणी के, समांतर श्रेणी के कितने पदों का? 23 पदों का योग कितना होगा बताओ? 1046 सही 1 बटा 2। ये प्रथम क्वेश्चन आप खुद कर लेना, ठीक है?
देखो तीसरा क्वेश्चन, पदों की संख्या याद कीजिए। क्या याद करना है? पदों की संख्या। समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लिए गए? समांतर श्रेणी के कितने पद लिए गए, यानी पदों की संख्या है ना, हमें क्या करनी है, याद करनी है कि उनका योगफल 636 हो। योगफल कितना हो? 636 हो। तो तीसरे का पढ़ता हम देखते हैं। श्रेणी कैसी है? समांतर है, तो क्या लिखेंगे? एक। क्या लिखेंगे? एक। 9, 17, 25 ये हमें समांतर श्रेणी दे रखी है, और इसका योग कितना दे रखा है हमें? 636। योग कितना दे रखा है इसका? 636। तो समांतर श्रेणी के कितने पद लिए जाए, यानी एन वाला मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बताओ प्रथम पद का मान कितना? प्रथम पद ए बराबर कितना? 9। प्रथम पद ए बराबर कितना? 9। सार्व अंतर डी बराबर A2 - A1। बताओ A2 कितना है? 17 - 9 कितना आ गया बताओ? सार्व अंतर डी कितना याद हो गया? बताओ 636 क्या है? योग है। एवं एन पदों का योग एस एन कितना दे रखा है बताओ? 636। कितना दे रखा है? 636। बताओ योग के लिए सूत्र क्या होगा? अंतिम पद नहीं है ना, तो डी वाला सूत्र काम करेंगे। एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना? 636। एन वाला मान हमें ज्ञात करना है कोष्टक 2 इंटू a की जगह कितना रखेंगे? a की जगह कितना रखेंगे? 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना रखेंगे? 8 बराबर कितना? 636। एन बटा 2 कोष्टक 9 को 2 से गुना करेंगे 18 प्लस का ही तो है ना, तो प्लस 8 को एन से गुना करेंगे 8n प्लस माइनस 8 को एन से गुना करेंगे 8 बराबर कितना? 636। एन बटा 2 कोष्टक 18 में से 8 कम करेंगे 10 प्लस कितना? 8 बराबर कितना? 636। एन बटा 2 इंटू कॉमन कितना आ रहा है बताओ? 2 आ रहा है ना, 2 कॉमन ले लिया, क्या शेष रहा? 5 प्लस का 4 है बराबर 636। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। एन को 5 से गुना करेंगे 5 प्लस 4n को n से गुणा करेंगे 4n² बराबर में कितना? 636। तो 4n² को पहले लिखते हैं प्लस 5n, ये प्लस का 636 क्या बन जाएगा? माइनस का 636 बराबर कितना? 0। बताओ कितने पद बन गए? 1, 2 और 3। अगर 3 पद दे रखे हैं हमें, तो प्रथम और अंतिम का क्या करेंगे? गुणनफल। बताओ प्रथम पद क्या है? कितना है? 4n² इंटू अंतिम पद कितना है? माइनस 636। गुणनफल कितना होगा? 6 × 24, 4 × 3 = 12, 14 + 24 = 25 किसका होगा? माइनस का। किसका होगा? माइनस का, और गुणा में कौन है? n². अब इस अचर मान का क्या करेंगे बताओ? गुणनखंड। क्या करेंगे? गुणनखंड। 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 14, 2 × 4 = 2, 2 × 4 = 2, 2 × 4 = 12, 2 × 4 = 24 फिर 2 का 2 × 6 = 2 × 6 = 12 फिर 2 का
दो तिया छह, दो एकम दो, दो अंटे सोलह, फिर दो का दो एकम दो, दो पंजे दस, दो नौ अठारह, फिर तीन का तीन पंजे पंद्रह, तीन तीन नौ, फिर त्रेपन का त्रेपन एकम त्रेपन। बताओ मध्य वाला पद प्लस में है कि माइनस में? मध्य वाला पद प्लस में है कि माइनस में? प्लस में, और गुणनफल किस में आ रहा है? माइनस में। तो हमें इतना तो पता चल गया कि अगर गुणनफल माइनस में है और मध्य वाला पद प्लस में है तो एक टुकड़ा होगा प्लस का और एक टुकड़ा होगा किसका, बताओ? एक टुकड़ा होगा किसका? माइनस का। एक टुकड़ा प्लस का और दूसरे वाला माइनस का, ठीक है। लेकिन बताओ अब मध्य वाला पद प्लस में है, किसमें है? प्लस में। तो बताओ प्लस वाला टुकड़ा बढ़ा लेना पड़ेगा माइनस वाला? मध्य वाला पद अगर माइनस में है तब तो माइनस वाला बढ़ा लेना है, और अगर मध्य वाला पद प्लस में है तो प्लस वाला बढ़ा लेना है। दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ दुनी सोलह, सोलह तीन अड़तालीस, कितना? अड़तालीस, और ये कितना? त्रेपन। बताओ त्रेपन में से अड़तालीस घटा दे कितना आएगा? पांच आएगा। त्रेपन ले ले प्लस का, अड़तालीस ले ले किसका? माइनस का। साथ में किसको लिख दें? एन को। किसको लिख दें? एन को। माइनस अड़तालीस एन में प्लस त्रेपन जोड़ेंगे तो बताओ प्लस का पांच आएगा कि नहीं? तो जोड़ने के उपरांत तो क्या आना चाहिए? मध्य पद। क्या आना चाहिए? मध्य पद। और गुणा करने के उपरांत क्या आना चाहिए? अंतिम पदों का गुणनफल। तो बताओ टुकड़ा क्या बन गया? चार एन स्क्वायर, ठीक है, प्लस का कितना ले ले? त्रेपन एन, माइनस अड़तालीस एन, और माइनस में कितना है? छह सौ छत्तीस, बराबर में कितना ले रखा है? जीरो। इन दोनों से कॉमन कितना आएगा? एन आएगा। क्या आएगा? क्या शेष रहा? चार एन प्लस कितना? त्रेपन। इन दोनों से कॉमन कितना आएगा? कितना आएगा? सोलह आएगा। कितना आएगा? सोलह तो नहीं आएगा। कितना आएगा बताओ? कितना आएगा? बारह आएगा। कितना आ जाएगा? बारह कॉमन आ जाएगा। इन दोनों से कॉमन कितना आ जाएगा? बारह। तो क्या शेष रहा? बारह चौके अड़तालीस, चार एन। अब माइनस कॉमन लिया है, क्या लिया है? माइनस कॉमन लिया, तो इस माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस। छह सौ छत्तीस में बारह का भाग दें कितना आएगा बताओ? कितना आएगा? त्रेपन। कितना आएगा? त्रेपन, बराबर में कितना? जीरो। बताओ कॉमन कितना आ गया? चार एन प्लस त्रेपन कॉमन आया, तो बताओ क्या शेष रहा? एन माइनस बारह, और बराबर में कितना? एक बार तो लेंगे, चार एन प्लस त्रेपन का मान किसके बराबर लेंगे? जीरो के। एक बार लेंगे एन माइनस बारह किसके बराबर? जीरो के। तो चार एन बराबर प्लस का त्रेपन क्या बन गया? माइनस में। क्या बन गया? और एन बराबर माइनस बारह क्या बन गया? प्लस बारह। तो एन बराबर माइनस त्रेपन बटा चार, और एन बराबर कितना? क्या पदों की संख्या माइनस में होती है? नहीं होती है, पूरा पूरा मान होता है, ठीक है। तो ये वाला मान तो संभव ही नहीं होगा, इसलिए n बराबर कितना होगा बताओ? बारह। कितना होगा? बारह। तो बताओ समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे? आता है समांतर श्रेणी के बारह पदों का योग, बारह पदों का योग कितना होगा बताओ? छह सौ छत्तीस होगा। अतः समांतर श्रेणी के बारह पदों का योग कितना होगा? छह सौ छत्तीस होगा। इसी का है दूसरा, श्रेणी समांतर है तो एपी लिखेंगे, कितना ले रखा है? तिरसठ, साठ, सत्तावन,
और इसका योग कितना दे रखा है, योग दे रखा है 693। ये आपको क्या करना है,